सर मैंने आपको फुटेज का लिंक सेंड किया है सर। सर जहाँ से पीयू किडनैप हुई थी वहीं पास में एक सीसीटीवी लगा हुआ था। सर इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि पीयू को किडनैप किसने किया था। पर ये बैग जो आपने लाने को कहा था, ये बैग किस लिए? खैर इसमें कुछ नहीं है, बस एक स्पेशल ट्रैकर है और ये ट्रैकर इस स्पेशल केसेस के लिए बने। और ये ट्रैकर हम इस पैसों वाले बैग में शिफ्ट कर देंगे। बस एक बार तेरा काम हो जाए तो किडनैपर को पैसे दे देगा, पीयू तुझे वापस मिल जाएगी। वहां से हम अपने आप को एक्सपोज करेंगे और इस ट्रैकर की मदद से उसको फॉलो करेंगे। बस एक बार वो किडनैपर मेरे हाथ में लग जाए, फिर मैं तुझे उस किडनैपर का चेहरा दिखाऊंगा जिसने तेरी बेटी को किडनैप किया था। टाइम क्या हुआ है? फोन दो मुझे, टाइम हो गया है फोन करने का। थोड़ा वेट करो। अरे तुम बार बार मुझे वेट करने को क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुमने उन्हें एक टाइम दिया है फोन करने का और वो टाइम अभी हुआ नहीं है, तो उस टाइम से पहले फोन मत करो। तो बच्ची बहुत रो रही है, खाना नहीं खा रही। नहीं खा रही है तो ना खाए, भूखी मर जाए। गाइस आई नो मेरी बेटी है, तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो। मेरी बेटी है, मुझे पता है कि उसे खाना कैसे खिलाना है। नहीं पता है, पहले भी गलत थी तुम कि चॉकलेट देके खाना खिलाओ तो खाना खा लेगी, लेकिन उसने खाना नहीं खाया, इवन चॉकलेट तक नहीं खाई। देखो प्लीज कुछ करो, छोटी बच्ची है वो, रो रो के बुरा हाल है उसका। वो ऐसे ही रोती रही ना तो बेहोश हो जाएगी। प्लीज बस करो, मुझे मत सिखाओ। मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। पट्टी बंधी है उसकी आंखों पे? नहीं, वो मैंने ओपन कर दी थी। तो जाओ जाकर पट्टी बांध कराओ, उसके बाद मैं उसे खाना खिलाऊंगी। जाओ। सर ये देखिए, पीयू को एक लेडी ने किडनैप किया हुआ है। लेडी का चेहरा दिखाओ, फेस पर फोकस करो, चेहरा दिखाओ, थोड़ा और जूम करो। अरे यार इसने तो बुरखा पहना हुआ है, इसका तो चेहरा भी नहीं दिख रहा। गाड़ी का नंबर दिख रहा, देख। करण ऐसे किडनैपिंग के केसेस में गाड़ी चोरी की होती है, फिर भी मैं पता करवाता हूँ। ऐसा कौन हो सकता जो बुरखा पहन के मेरी बेटी को किडनैप करे? मैंने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है, रोना भी बंद करवा दिया है, बस अभी भी थोड़ा सुबक रही है। मैं खाना खिलाकर आती हूँ, उसके बाद फोन करेंगे। मम्मा। बेटा देखो, मैं तुम्हें खाना खिलाने आई और तुम ये खाना खा लोगी ना तो फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी और आइसक्रीम दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। सोनाक्षी मां, सोनाक्षी आंटी, ये टॉय अच्छा है ना? पीहू बेटा, सोनाक्षी आंटी नहीं, सोनाक्षी मां। आपको पता है मैं आपकी असली माँ हूँ। मैंने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा है, तभी तो बाहर जब आज फायर लगी तो मैंने ही तो जंप करके आपको बचाया। ये देखो मुझे भी तो चोट लग गई। मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, आपकी प्रीता मम्मा से भी ज्यादा। वो आपको प्यार नहीं करती है? पीहू बेटा, मैं आपको हमेशा सेफ और प्रोटेक्टेड रखूंगी। प्रीता मम्मा आ रही है, उन्हें मेरे बिना नींद नहीं आती है ना, मुझे पता है वो ही आ रही है। पीहू बेटा, मैंने कहा ना मैं आपकी असली माँ हूँ, जस्ट रिमेम्बर, प्रीता से ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ।
आपकी सोनाक्षी माँ। सोनाक्षी माँ, आप मुझे बचाने आए हो ना? सोनाक्षी? कौन सोनाक्षी? यहाँ कोई सोनाक्षी नहीं है। ये खाना खाओ। नहीं, आप बता नहीं रहे हो, पर मुझे पता है आप सोनाक्षी माँ हो। ये खाना लो चुपचाप। अब मुझे डर नहीं लग रहा है। अब आप आ गए हो ना, आप मुझे बचा लोगे ना? आप कोई और हो ना? पेड़ मेरी पट्टी खोल दो ना। वो जो आंटी पहले आई थी वो सोनाक्षी माँ थी ना? हाँ शालिनी, बोलो। मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या कर रही थी? अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। वहाँ क्या चल रहा है ये बताओ। मैंने तुम्हें एक बहुत सच्ची बात बताने के लिए फोन किया। मैं जो पैसे मांगे थे वो ये लोग ले आए, लेकिन उन पैसों की वजह से तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। वो कैसे? अरे, इस विनोद ने उस बैग में ट्रैकर डाल दिया। वो ट्रैकर तुम्हारी लोकेशन डिटेक्ट कर लेगा और ये लोग तुम तक पहुंच जाएंगे, समझी तुम? आई कांट बिलीव, वो लोग मेरे साथ चालाकी कर रहे हैं। इस ओवर स्मार्टनेस की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। एज अ किडनैपर मैंने उन्हें वार्न किया था कि वो पुलिस को ना इन्वॉल्व करे, लेकिन फिर भी उन्होंने इन्वॉल्व किया, विनोद को इन्वॉल्व किया। अब चाहे वो सिविलियन ड्रेस में हो या फिर यूनिफॉर्म में हो, दोस्त हो या रिश्तेदार हो, पुलिस हो या फिर कोई भी हो, पर है तो वो किड्स किडनैपिंग का स्पेशलिस्ट ही ना। अब करण और प्रीता को इस धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या करोगे तुम? पैसे तो मैं लेके रहूंगी, क्योंकि मुझे बंदों को भी पैसे देने हैं और फिर किडनैपिंग भी रियल लगनी चाहिए, इसीलिए पैसे मैं लूंगी। लेकिन ये करण और प्रीता जो मॉम डैड खेल रहे हैं ना, इस मॉम डैड को तो अब मैं अलग करके ही रहूंगी। तुम देखना शर्लिन, करण प्रीता से बहुत प्यार करता है ना। करण के दिल में प्रीता का प्यार खत्म करके मैंने उसमें नफरत ना भर दी ना, तो मेरा भी नाम सोनाक्षी नहीं। विन, उस फोन से करण की लैंडलाइन पे फोन लगाओ। श्योर मैम। मैम, कनेक्टेड। हेलो, फोन स्पीकर पे डालो। स्पीकर? हेलो, प्लीज मेरी एक बार पीओ से बात करा दो। मेरी बेटी बहुत छोटी है और बहुत परेशान हो रही होगी, एक बार उससे बात करा दो। अपने मामा से बात करने की तो उसे तसल्ली हो जाएगी कि हम उसके आसपास हैं। प्लीज प्लीज मेरी बात करा दो मेरी बेटी से। नहीं, देखो, बेटी से तो बात करानी पड़ेगी तुम्हें, अगर वो नहीं होगा तो आगे कोई बात नहीं होगी। बाय। ये क्या किया तुमने? ऐसे कैसे फोन काट दिया? इतनी मुश्किल से तो फोन आया था। एक मिनट दी, करण जीजू ने सही किया। अरे, हमें कुछ तो सबूत चाहिए कि हमारी पीहू ठीक है या नहीं है। प्रीता बेटा, करण ने बिल्कुल ठीक किया है। तुम सोचो, जिस औरत ने हमारी बच्ची को किडनैप किया है, उसके बदले में पैसे की डिमांड कर रही है, उसके सीने में दिल कहाँ होगा? वरना उसे क्या प्रॉब्लम होती हमारी बच्ची को हमसे मिलवाने में, उससे बात करवाने में? कुछ नहीं किया। जिसके सीने में दिल नहीं है वो मेरी बेटी को कुछ भी कर सकती है ना। प्रीता कुछ नहीं करेगी। वो जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते वो पीओ को कुछ भी नहीं करेगी। तुम्हारी बेटी एकदम ठीक है, उसके लिए उसे कुछ तो प्रूफ भेजना पड़ेगा ना। फिर से कनेक्ट करो। श्योर। कनेक्टेड। हेलो हेलो, प्रीता। हाँ, मैं प्रीता बोल रही हूँ।
तुम्हें पता है कि पीहू किडनैप क्यों हुई? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पीहू से बात करनी है। एक बार मेरी बेटी से मेरी बात करवा दो। लो, पीहू से बात करो। प्रीता मम्मा। पीहू, तुम चिंता मत करना, हम तुम्हें बहुत जल्द छुड़वा लेंगे। पीहू, पुत्र तो ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी ना पुत्र? बचा लो ना मुझे, मुझे बांध के रखेंगे लोग। पीहू, मम्मा बचा लो ना, मुझे डर लग रहा है। प्लीज बचा लो ना मुझे, पापा बचा लो ना। पीहू, आप घबराना नहीं बेटा, अभी आपके पापा आकर आपको ले जाएंगे। ओके, बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, बी अ मामाज गर्ल। पीहू बेटा, बेटा बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हें बहुत जल्द घर वापस लेकर आएंगे। मुझे डर लग रहा है। हो गई पीहू से बात? मिल गई सबको तसल्ली। पीहू मेरे ही पास है, अब तक तो सेफ है। तो प्रीता अब मुझे बताओ कि पीहू किडनैप क्यों हुई? प्लीज मेरी पीहू को कुछ मत करना, प्लीज आप उसको कुछ मत करना। चुप, एकदम चुप। पहले मेरी बात का जवाब दो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं पीहू के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तुम समझ रही हो ना? नहीं, प्लीज कुछ मत करना प्लीज। किस बात का जवाब दो? पीहू किडनैप क्यों हुई बताओ मुझे। नहीं पता मुझे। मुझे पता है, मैं बताती हूँ कि पीहू किडनैप क्यों हुई। इसलिए किडनैप हुई क्योंकि प्रीता तुम एक अच्छी माँ बनने के लायक ही नहीं हो। तुम एक अच्छी माँ नहीं हो प्रीता। You are worst mother. अरे तुम तो टाइम पे अपनी बच्ची को बर्थडे पार्टी से लेने तक नहीं पहुंच सकी। पीहू तुमसे कई ज्यादा अच्छी माँ डिजर्व करती। तुम जैसी माँ को मैं पैसे लेकर भी पीहू वापस ना दूं। क्या फिर 2 करोड़ के बदले पता नहीं कितने ही करोड़ों रुपए लूं? बच्चा है ना, मैं मंदिर गई थी और वहाँ पर कोइंसिडेंटली मुझे एक लड़की मिली। वो अपनी बेटी पीहू के लिए गॉड से प्रे कर रही थी। बोल रही थी कि मेरी बेटी पीहू को बचा लो, वो किडनैप हो गई है। बातों बातों में पता चला कि उसका नाम सोनाक्षी है और वो पीहू की माँ है। पर तुम कह रही हो कि तुम पीहू की माँ हो। तुम जैसी लापरवाह माँ किसी की होनी ही नहीं चाहिए। मैंने उस लड़की की तरफ, उस लड़की का प्यार देखा अपनी बेटी के लिए। मुझे तो लगता है कि वही पीहू की माँ है। तो अब सर, सोनाक्षी की ममता के लिए तुम लोग 2 करोड़ रुपए तो दे ही सकते हो ना। पैसे कहाँ और कब देने हैं ये हम तुम्हें बताएंगे। फिर हम तुम्हें पीहू का एड्रेस देंगे और तुम वहाँ से पीहू को लेके जा सकते हो। क्योंकि हम लोग तो वहाँ से निकल जाएंगे। और हाँ, ध्यान रहे, ना पुलिस और ना ही कोई पुलिस का फ्रेंड। गॉट इट? एक मिनट, उस किडनैपर को कैसे पता चला विनोद के बारे में? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम श्योर उसे किसी ने तो इन्फॉर्म किया। किसी ने तो किया है। वो मैं हूं। प्लीज गॉड, प्लीज मुझे बचा लो। ये खबर बाहर कैसे गई कि तेरी हेल्प ले रहा हूं मैं, तेरा कोई टीम मेंबर? करण, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। इट्स ओके करण, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो होना ही था ना। हाँ, हमने ये सोचा था कि किडनैपर को थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, पर थोड़ा जल्दी पता चल गया। मैंने सोनाक्षी को इस बैग की डिटेल्स दी थी,
मैंने बताया था कि इस बैग में ट्रैकर फिट है, तो भी उसने फोन पे ट्रैकर का जिक्र नहीं किया। आखिर उसका प्लान क्या है? उसे समझ में नहीं आ रहा कि इस ट्रैकर की वजह से उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हो सकता है किडनैपर को यह पता चल गया हो कि जहां से पीयू किडनैप हुई थी हम वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है। मतलब किडनैपर हमसे एक कदम आगे है, हमें जो कुछ भी करना होगा फुल स्पीड पर करना होगा। अगर उसे ये पता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे ये भी पता हो कि हमने बैग में ट्रैकर फिट किया है और इसी ट्रैकर के थ्रू हम उसे फॉलो करेंगे। करण, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ऑडियो डिवाइस लगाना होगा। हाँ, इससे करण और पीयू दोनों प्रोटेक्टेड रहेंगे और हमें पता चलता रहेगा कि वहां उनके बीच क्या डिस्कशन चल रही है, और अगर हमें किसी भी मोमेंट पर कुछ भी प्रॉब्लम लगी तो हम वहां पुलिस भेजकर करण की हेल्प कर पाएंगे। नहीं विनोद, पुलिस नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर, नहीं। इसलिए मैंने तुझे यहां बुलाया, समझा? उसने कहा ना पुलिस नहीं चाहिए, अगर पुलिस वहां गई उसे पता चल गया तो उसने पीहू को कुछ कर दिया तो। नहीं, पीहू को रिस्क में नहीं डाल सकते। करण तुम चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे पीहू के पास जाना है, मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे अगर गलती से तुमने कुछ गुस्से में बोल दिया तो मैं सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ ना। मैं प्रीता, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, मैं कैसे नहीं जाऊंगी? मैं माँ हूँ पीहू की, मुझे कैसे मना कर सकते हो? मेरी जान निकल रही है इस वक्त की, पीहू वहाँ किसी इतने खतरे में है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं मेरी बेटी को खुद अपने हाथों से यहाँ लेकर आऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझे? मैं अकेला जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। दैट्स इट। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है प्रीता। अगर तुम टाइम पे पहुंच गई होती पीहू को लेने तो आज ये नहीं होता, पीहू किडनैप नहीं होती। बुआ प्लीज, आपको पता है ना कब कहां क्या बोलना है। ठीक है बेटा, मैं गलत और ये लड़की सही। अब पीहू को जाके घर वापस ले आओगे? करण, मैं प्लीज तुम्हारे साथ चलूं। मैंने कहा ना प्रीता, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। सृष्टि, तू उसका ध्यान रखना। सृष्टि, करण पुत्र तू जा, पीहू को लिया। अशोक, करण को ऑडियो डिवाइस बना। अरे सब हो रहा है, लेकिन वो सोनाक्षी का है जो बात बात में दावा करती है कि वो पीहू की मॉम है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मेरा शक सही है, ये सोनाक्षी को देखने जा रहा है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना इसके दिल में जो शक है वो यकीन में बदल जाएगा। पर कुछ तो कहना पड़ेगा कि सोनाक्षी कहां गई है। सोनाक्षी, आई वॉज राइट, ये तो सोनाक्षी के रूम में जा रहा है। पीहू, मुझे पीहू के पास जाना है। दी, मुझे दी, सारी मेरी गलती है सृष्टि। मुझे पीहू को वो पार्टी में लेके ही नहीं जाना चाहिए था, और अगर लेके गई थी तो मुझे वहीं रहना चाहिए था ना। उसको अकेले छोड़ के कैसे आ गई? जब पार्टी खत्म होती तो अपने साथ वापस ले आती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? खुद को कोसने की जरूरत नहीं है दी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, लोग बच्चों को बर्थडे पार्टी में छोड़ने जाते हैं और बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद उनको वापस लेकर आते हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है ना हमारे साथ, ये गलत हो रहा है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दी। अरे लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर थोड़े ना बैठे रहते हैं। जब स्कूल खत्म हो जाती है तो बच्चों को वापस ले आते हैं। और रही किडनैपर वाली बात,
किडनैपर तो बच्चों को कहीं से भी किडनैप कर सकता है, बर्थडे पार्टी से हो, स्कूल से हो, अरे लोगों के घर से किडनैप हो जाते हैं बच्चे। नहीं प्लीज, खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज ऐसे मत रोइए। आप ये सोचिए कि पीहू को वापस हम कैसे ले आए। कैसे लेके आए? करण, करण मुझे लेके ही नहीं जा रहा है, मुझे करण के साथ जाना है, मुझे पीहू के पास रहना है, मुझे पीहू को ढूंढना है, मैं कैसे जाऊं? दी, करण जी जो सही कह रहे हैं, आप अभी ना इस वक्त बहुत इमोशनल है, इमोशंस में ना लोग गलती कर बैठते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए करण जी जो ने आपको मना किया है। देखिए आप है ना, आप यहीं रहिए, ऊपर रहिए अपने रूम में, नीचे मत जाइए, क्योंकि नीचे वो करीना मैम और बानी दादी बहुत गुस्से में, मैं नहीं चाहती कि उनका गुस्सा आपके ऊपर उतर जाए। ओके ओके ठीक है, मैं नीचे नहीं जाती, मैं ऊपर ही बैठती हूँ, लेकिन तू नीचे जा, करण गया है, वहां से कोई कॉल करेगा, कोई मैसेज करेगा, क्या पता लोकेशन भेजे, तुझे तो पता होना चाहिए ना। मैं नीचे नहीं जा रही, तो मेरा काम जाकर तू नीचे कर, जा। चली जाऊंगी। जाऊंगी नहीं, अभी जा। ठीक है, जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओके जा। नहीं करण, तुम मेरे बगैर तो नहीं जा सकते, मुझे मेरी पीहू के पास जाना, और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी।